आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल सैनिटेशन का, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है जल से होने वाले रोग, वाटर बॉर्न डिसीजेस एंड प्रिवेंशन, जो कि एएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, एएनएम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। तो जल से या पानी से जो जो बीमारियां होती हैं, जो होने वाली बीमारियाँ होती हैं, उनके बारे में आज पढ़ेंगे और उनको कैसे हम प्रिवेंट करेंगे इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका वाटर बॉर्न डिसीजेस, जल से होने वाली बीमारियाँ। तो जल में विभिन्न प्रकार के हमारे रासायनिक तत्व होते हैं, जीवाणु होते हैं, वायरस होते हैं, परजीवी होते हैं, ठीक है। इन सभी से हमारा जो जल होता है वो प्रदूषित हो जाता है, जिसके कारण हमको ये कुछ बीमारियाँ हैं जो हो सकती हैं, कुछ रोग हैं जो कि हो सकते हैं, जैसे कि रसायनों के कारण भी हमारा जो स्वास्थ्य है वो खराब हो सकता है। जैसे कि जल में उपस्थित रहता है शीशा, लेड, मर्क्यूरी, पारा, आर्सेनिक आदि के विषाक्तता के कारण हमारा जो शरीर है, ठीक है, उसको हमारे बॉडी में शारीरिक रोग हो जाता है, ठीक है। जो पानी है, पानी में हमारे उपस्थित होते हैं शीशा, पारा, आर्सेनिक, इसके विषैलेपन की वजह से हमारा जो बॉडी है, ठीक है, हमारे बॉडी को बहुत सारे डिजीज कंडीशंस हो जाते हैं, ठीक है। जो जल होता है, जल में ठोस कैल्शियम की अगर अधिक मात्रा है तो उसके कारण हमको पथरी रोग होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है परजीवी के उपस्थिति के कारण, बाय प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट्स की वजह से भी हमको वाटर बॉर्न डिजीजेस होती है, जैसे कि परजीवी के कारण, जैसे कि राउंड वॉर्म हो गया, गुनिया वॉर्म हो गया, या फिर अमीबीय वॉर्म हो गया, ठीक है, अमीबीय रोग हो गया, तो ये सभी रोग हमें हो जाते हैं। तीसरा आता है जीवाणुओं के द्वारा, बैक्टीरियल कॉजेस की वजह से, जैसे कि जीवाणुओं के द्वारा हमें कॉलेरा होता है, यानी कि हैजा है, टाइफाइड है, पैराटाइफाइड है, ज्वर है, अतिसार, पेचिश, ये सभी रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो वायरस होते हैं, ठीक है, वायरस के कारण कौन सा डिसीज़ होता है, जैसे कि वायरस जनित रोग में वायरस से कई प्रकार के रोग हमको हो सकते हैं, जैसे कि पोलियो है, पीलिया है, इन्फ्लुएंजा है, तो ये सभी रोग हमें हो जाते हैं। नेक्स्ट सीवेज के कारण जो हमारे मलमूत्र होते हैं, ठीक है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी एक्सक्रीटा है, उनके कारण भी हमारे बॉडी को ये भी हार्म पहुँचाते हैं, जैसे कि सीवेज के जल में, ठीक है, जो जल सीवेज के जल में मिलने से हमारे आंतों से संबंधित रोग हो जाते हैं। जो भी आपका एक्सक्रीटा है, ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रीटा है, वो अगर वाटर में हम लोग डाल देते हैं तो उसकी वजह से हमारे आंत से संबंधित हमें बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। अब इसमें आता है कि वाटर बॉर्न जो डिसीजेस है उसकी प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे, उसकी रोकथाम हम कैसे करेंगे। तो इसमें है जल जनित रोग और उनकी रोकथाम, जो वाटर बॉर्न डिसीजेस है उनके लिए हम क्या क्या प्रिवेंशन करेंगे। तो सबसे पहला ये है कि जो नमक युक्त हल्के गुनगुने पानी से हमको गरारा करेंगे तो हमारे जो गले में खराश होती है वो खराश दूर हो जाती है, ठीक है। दूसरा ये है कि यदि नाक बंद है, ठीक है, यदि नाक बंद है तो नमक युक्त पानी को नाक में रुई की सहायता से डालने से जो हमारी नाक है वो खुल जाती है, ठीक है। तीसरा ये है कि घाव को टिटनेस से बचाने के लिए हमें साबुन और पानी से अच्छे से साफ करना चाहिए। तीसरा ये है कि जब ग्रीष्म ऋतु है, मतलब गर्मियों का जब मौसम है, तो त्वचीय संक्रमण या फिर स्किन इन्फेक्शन ना हो तो इससे बचने के लिए हमें दिन में 2 से 3 बार स्नान करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हमको अगर फीवर है, ठीक है, ज्वर की अवस्था में जो शरीर का तापमान है उसको कम करने के लिए हमें गीले कपड़े की पट्टियाँ सिर पर रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि यदि अतिसार है, ठीक है, अतिसार की अवस्था है, ठीक है, डायरिया का कंडीशन है, तो निर्जलीकरण से बचाव के लिए हमें जल का सेवन करना चाहिए। और यदि कब्ज है या फिर ज्वर है या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, यानी कि मूत्रीय संक्रमण की स्थिति है, तो हमें अधिक मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए। और यदि आंतरिक रोग है, ठीक है, आंतरिक रोग है, तो अतिसार की स्थिति में हमें हाथों को अच्छे से साबुन के पानी से अच्छे से साफ करना चाहिए। तो ये होता है हमारे कुछ वाटर बॉर्न डिसीजेस और उनके प्रिवेंशन।